गंदे पानी से होने वाली टाइफाइड जैसी घातक बीमारी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो आपकी हड्डी तक गलाने का दम रखती है। वहीं गंदे पानी से तैयार होने वाला बर्फ, जिसे आप गोला चुस्की काले खट्टे के रूप में चूस चूस कर बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं, इसलिए आज मैं आपको बर्फ की सिल्ली बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद शायद आपको खुले में मिलने वाले बर्फ से ही नफरत हो जाएगी। तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको वीडियो देख के जबरदस्त मजा आएगा। बर्फ की सिल्ली के रूप में ठंडा जहर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज अमोनिया गैस है, जिसको साल डेढ़ साल में एक बार कंप्रेसर मशीन में रिफिल किया जाता है। फिर वही गैस बर्फ जमाने के लिए बार बार सर्कुलेट होती रहती है। अब ये गैस इस पाइप से होकर ऊपर छत तक जाएगी, ताकि गैस को ठंडा किया जा सके, क्योंकि पाइप के अंदर इतनी गर्म गैस है कि पाइप को कोई हाथ भी लगा ले तो उसका हाथ जल सकता है। ठंडा होने के लिए गैस इस जलेबी नुमा पाइप के अंदर जाएगी, जिसको कंडेंसर कहते हैं, और ये सेम टेक्निक आपको आपके फ्रिज के पीछे भी दिखेगा। इन पाइप में गैस बार बार घूमकर ठंडा होती है, और गैस को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी भी गिरता रहता है, ताकि गैस ज्यादा ठंडी हो जाए। अब जितनी भी अपनी ठंडी गैस है, इस पाइप से होकर नीचे जाकर एक बड़े से सिलेंडर में स्टोर होगी। अब यहाँ से अपनी जितनी भी ठंडी गैस इस पाइप से होकर अंदर की साइड कारखाने में जाएगा, जहाँ पर इस गैस को पानी के साथ मिक्स किया जाएगा। और जिस पानी में इस गैस को मिक्स किया जा रहा है, एक बार उसकी हालत भी आप देख सकते हैं, कितना ही गंदा पानी हो रहा है। और इस पानी के अंदर अब नमक भी मिलाया जा रहा है। नमक का काम होता है पानी के ठंडे टेम्परेचर को मेंटेन करना, और यहाँ पर नमक वाले पानी को यहाँ पर चक्री की मदद से पूरे खांचों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि इसमें बर्फ जमाया जा सके। अब यहाँ से बर्फ बनाने का जो मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जिसके अंदर बर्फ जमाया जाएगा वो खांचे आ गए, और खांचों की हालत भी आप देख सकते हैं कि एकदम इसके ऊपर जंग लगा हुआ है। इसके अंदर अगर बर्फ जमाया जाएगा तो इसके ऊपर जितना भी जंग है वो भी बर्फ के अंदर मिक्स होगा, और जब आप चुस्की खाएंगे, गोला खाएंगे, हो सकता है वो जंग के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी आपकी चुस्की में आए और आपको बीमार करें। सारे खांचे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद अब बर्फ जमाने के लिए इसके अंदर पानी भी डाला जा रहा है, और एक बार आप देख सकते हैं भैया चप्पल लेके ही इसके ऊपर चढ़ चुके हैं। और ये जो चप्पल है भैया कहाँ कहाँ लेकर जाते होंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्कर इनको बाथरूम वगैरह में भी लेकर जाते हैं, और चप्पल में जितनी भी धूल मट्टी गंदगी होती है वो भी इसके अंदर मिक्स होता रहता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरओ का पानी इसमें इस्तेमाल करते हैं, कितना ही आरओ का पानी इसमें इस्तेमाल कर लें, लेकिन इतने गंदे तरीके से अगर बनाएंगे ना तो वो बर्फ गंदा ही होता है, अनहाइजीन होता है। लगभग 12 घंटे बीत जाने के बाद यहाँ पर हमारा बर्फ जम के तैयार हो चुका है। अब इसको निकालने का प्रोसेस क्या जाएगा, और शुरुआत में मैंने बर्फ को ठंडा जहर क्यों कहा था वो देखकर आपको पता ही लग रहा होगा कि इतने अनहाइजीन तरीके से अगर बर्फ की सिल्लियां जमाई जाती हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और बड़े बूढ़े ने एक बात कही थी कि भाई बाजार का खुला बर्फ नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप लोग तो इसको ड्रिंक में, शराब में डाल के मजे से पीते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए शराब से भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और इसको निकालने के लिए ऊपर से पानी डाला जा रहा है, और ये हमारी बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां तैयार हो चुकी हैं, और इसको जमीन से घसीटते हुए अब ट्रकों में लोड किया जाएगा और आपके घर के आसपास के स्टोरों तक पहुंचाया जाएगा। और इसी बर्फ का इस्तेमाल बहुत सारे सिकंजी वाले अपने सिकंजी को ठंडा रखने के लिए, या फिर जिनके घरों में फ्रिज नहीं होता वो भी अपने पानी को ठंडा रखने के लिए इसी बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया चप्पल पहन के इसके ऊपर चढ़ चुके हैं, ताकि बर्फ में चप्पलों का स्वाद भी अच्छी तरीके से आ सके। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि बाहर का खुला बर्फ आप सभी को खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। मैंने आप सभी को दिखा दिया पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा, ताकि सभी को इस बर्फ की सच्चाई पता लग सके।